श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आपको भी सपने में महादेव की ये चीजें दिखाई देती है तो महादेव आपकी भक्ति से प्रसन्न है, आपकी मनोकामना जल्दी ही पूर्ण होगी। नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार मनुष्य को सपने में जो भी चीजें दिखाई देती है अथवा उनके साथ जो भी घटनाएं घटित होती है उनका वास्तविक जीवन से संबंध जरूर होता है। सपने में कई बार लोगों को अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती है। इन चीजों के दिखाई देने के पीछे महत्वपूर्ण संकेत छिपे होते हैं। सपने में जानवरों का दिखाई देना भी हमें भविष्य की जानकारी देता है। कुछ सपने डरावने होते हैं तो वहीं कुछ सपने हमें खुशी प्रदान करते हैं। अलग अलग सपनों का अलग अलग महत्व होता है, लेकिन दोस्तों, भगवान शिव से जुड़े सपनों का महत्व बहुत अधिक होता है। अगर आपको सपने में भगवान शिव से जुड़ी चीजें दिखाई देती है तो इससे आपको महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त होते हैं। इन सपनों को कभी दुर्लक्ष नहीं करना चाहिए। अगर आप भी शिव भक्त है तो आपको भी सपने में महादेव से जुड़े सपने जरूर आते होंगे। क्या कभी आपने सपने में साक्षात शिव और पार्वती के दर्शन किए हैं? क्या आपने कभी सपने में भगवान से बातें की है? तो आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी वस्तुओं और जानवरों के बारे में। अगर सपने में आपको ये दिखाई देते हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत होते हैं। जल्दी ही आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं शिव पुराण में इस विषय में क्या कहा गया है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें और हमारे महादेव जी के लिए एक लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है सपने में शिवलिंग दिखाई देना। सपने में बार बार शिवलिंग दिखता है तो ये आपके पूर्व जन्म की ओर इशारा करता है। इसका अर्थ ये है कि आप पिछले जन्म में शिव भक्त थे और शिव जी की पूजा करते थे। अगर आपको सपने में बार बार शिवलिंग दिखाई देता है तो यह शुभ संकेत है और आपकी कोई इच्छा जल्दी पूरी होने वाली है। दूसरी वस्तु है सपने में त्रिशूल का दिखना। सपने में त्रिशूल का दिखना अत्यंत ही शुभ माना गया है। यह भूत, भविष्य और वर्तमान को दर्शाता है। सपने में त्रिशूल का दिखना इस ओर इशारा करता है कि आपका कोई रुका हुआ काम जल्द ही संपन्न होने वाला है और आपका भविष्य सुख समृद्धि से भरपूर होगा। आपका आने वाला कल जीवन में खुशियां लेकर आने वाला है। तीसरी वस्तु है सपने में चंद्रमा दिखाई देना। अगर सपने में आप शिव जी के मस्तक पर सुशोभित चंद्र देखते हैं तो आपके जीवन में शांति आने वाली है। आपकी सभी समस्याओं का जल्द ही निवारण होगा। घर में अगर क्लेश या झगड़े हो रहे हैं तो उन पर भी पूर्ण विराम लग जाएगा। चौथी वस्तु है डमरू। अगर सपने में आपको शिव जी का डमरू दिखाई देता है तो यह आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर करने का संकेत है। डमरू की सकारात्मक ध्वनि आपके जीवन से नकारात्मकता को समाप्त कर देगी और आप तरक्की की राह पर चल पड़ोगे। पांचवी बात है गंगा नदी के दर्शन। माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं में वास करती है। अगर आपको सपने में गंगा नदी के दर्शन होते हैं तो यह संकेत है कि आपका मन शुद्ध और पवित्र है। आप एक बहुत ही सच्चे दिल वाले इंसान हैं। आपके मन में किसी भी प्रकार का कपट या स्वार्थ नहीं है और शिव जी आपकी भक्ति से प्रसन्न है। अगर आप सपने में गंगा नदी में स्नान करते हैं तो यह संकेत है कि आपके समस्त पापों का नाश हो गया है और आपका मन पवित्र हो चुका है। शिव जी ने आपकी हर भूल को क्षमा कर दिया है। छठी बात है वासुकी नाग। अगर सपने में आपको नाग के दर्शन होते हैं तो इसे शुभ संकेत ही समझना चाहिए। अगर सपने में शिव जी के गले में लिपटा हुआ नाग तथा शिवलिंग पर नाग दिखाई दे तो यह आर्थिक संकेत है। इसका अर्थ है कि आपको अक्षय धन की प्राप्ति होने वाली है। जल्द ही कोई बड़ी संपत्ति या कोई अनमोल चीज आपको मिल सकती है। सातवीं बात है हिमालय पर्वत। अगर आप सपने में किसी बर्फीले पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो यह शुभ संकेत है। आपको आपके कार्य में सफलता मिलने वाली है। आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं आप उसमें सबसे ऊपर रहेंगे। आठवीं बात है शिव का तांडव नृत्य। अगर सपने में आप शिव जी को तांडव नृत्य करते हुए देखते हैं तो ये आपको संकेत देता है कि आपके शत्रुओं का नाश होने वाला है। शिव जी आपकी परोपकारी छवि से अत्यंत प्रसन्न है और जो लोग आपको कष्ट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें शिव जी अवश्य दंड देने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी सपने में इन चीजों के दर्शन होते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी आपको प्राप्त हो सके। आप सभी का धन्यवाद।